रेस्पेक्टेड सर एंड मैडम, वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल लेक्चर। हम आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। कि जैसा साथियों आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में मैं एमएससीडी के बारे में बता रहा था, एमएससीडी के बारे में वो लेक्चर डिलीवर हुआ था और एमएससीडी का लेक्चर का पार्ट टू रह गया, जहाँ पे मैं आपको क्रॉस ओवर के बारे में बताऊंगा कि सिग्नल किल लाइन कहाँ पे क्रॉस ओवर करती है, उस समय आपको कैसा ट्रेड कर लेना चाहिए और कहाँ पे एमएससीडी की हेल्प आपको लेनी चाहिए। तो चलिए ले चलते हैं आपको उसी चार्ट पे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एमएससीडी की प्रॉपर्टीज पता थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक्सिस बैंक को मैंने चार्ट लगा रखा है और एक्सिस बैंक का चार्ट लगाने का कारण ये है कि एक्चुअली लास्ट डे मैंने इसमें ट्रेड लिया था और मैं इस पर ट्रेड किया हूँ, तो इसलिए मैं इसको चार्ट लगाया हूँ। और चार्ट ये देखिए, पहले 1 आवर का मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट लगाया है। तो अब देखिए, इसमें आज वीडियो में मैंने सिर्फ बताना है कि ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे क्रॉस मूविंग एवरेज ने एमएससीडी ने क्रॉस जनरेट किया, सिग्नल लाइन ने काटा और कहाँ पे ये जो लैगिंग इंडिकेटर है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसने कहाँ पे काटा और इसकी और इसकी दोनों की हमें कंपेयर करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो रेड कलर की लाइन होती है वो सिग्नल लाइन होती है और जो ये वाली लाइन है, यानी ये कलर कोई भी चेंज कर दीजिए, मैंने ब्लू कर दिया है, तो ब्लू कलर की जो लाइन है वो एमएससीडी लाइन है। अगर एमएससीडी लाइन नीचे, एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को काट करके ऊपर की तरफ जाती है तो वो एक बुलिश संकेत मिलता है, यानी कि बुलिश सिग्नल का मतलब मार्केट में अभी स्ट्रेंथ आ चुकी है और उसी हिसाब से हिस्टोग्राम भी हमारा रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ, ये देखिए, ये हिस्टोग्राम बड़े होने चले गए, एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को काटा, ऊपर काटा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को तो यहाँ पे काटा, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्रॉसओवर जनरेट हुआ और यहाँ पे एक सिग्नल मिला कि मार्केट में स्ट्रेंथ अभी आ रही है, यानी कि एमएससीडी ने उसको भाप लिया। और अगर आप और कायदे से देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए, जो मूविंग एवरेज वाला है, सिंपल मूविंग एवरेज, इसने अभी कोई क्रॉसओवर यहाँ पे कोई सिग्नल जनरेट नहीं किया, यानी कि किसने अभी कोई बाय का सिग्नल नहीं दिया। और लेकिन यहाँ पे आप कैंडल के बेस पे ट्रेड अगर लेना चाहते थे तो ले सकते थे, देखिए कैंडल के बेस पे, क्योंकि यहाँ पे एक डोजी टाइप का एक कैंडल बना है जो कि डिसीजन मेकिंग है, और डिसीजन मेकिंग मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रेड ये लिया सकता था कि आप मार्केट में जो ट्रेंड रिवर्सल मतलब जो चल रहा है वो रिवर्स होने वाला है, तो यानी कि यहाँ पे मार्केट में अभी कुछ समय पहले, यानी कुछ घंटे पहले गिरावट चल रही थी, ये 1, 2, 3, 4 और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ग्रीन कैंडल के बाद आपने वेट किया, तो वेट करने के बाद देखिए एक डोजी बना, डोजी ने कंफर्म कर दिया और डोजी ने कंफर्म करने के साथ ही साथ एमएससीडी ने भी कंफर्म किया यहाँ पे कि यहाँ पे आप ट्रेड लेने को बनता है, फायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये एमएससीडी का एक फायदा ये। अब दूसरा सिग्नल मैं दिखाता हूँ, तो दूसरा सिग्नल ये दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन ने एमएससीडी लाइन को क्रॉस ओवर किया, ठीक है, यहाँ सिग्नल लाइन है, ठीक है, ये सिग्नल लाइन ने एमएससीडी लाइन को क्रॉस ओवर किया, यानी कि नीचे की तरफ कट किया। नीचे की तरफ कट करने का मतलब है यहाँ पे मार्केट में वीकनेस आई, यानी कि वीकनेस आने का मतलब ये है कि मार्केट में अब थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, ये एक भापने का तरीका है, ये थोड़ा कह सकते हैं कि मार्केट में बस एक अंदाजा, एक संभावना है, ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, ठीक है, गारंटी नहीं है, बट लेकिन यहाँ पे आप अपनी स्किल को थोड़ा सा इसकी हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्या, यहाँ पे अगर कैंडल के बेस पे देखें तो यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बना और बेयरिश कैंडल के बाद एक छोटा कैंडल बना और उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड रहा यहाँ पे, इस जगह पे मार्केट रेंज बाउंड रहा, लेकिन रेंज बाउंड रहने के बाद यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा जो काफी मतलब यहाँ पे देख सकते हैं पूरे 2 दिन तक, मतलब अगर आप कायदे से देखें तो ये 1 घंटे का चार्ट है, आप देख लीजिए 1, 2, 3 यहाँ पे तो थोड़ा रेंज बाउंड रहा, 1, 2, 3, 4 4-5 घंटे गिरावट रही, फिर उसके बाद हल्का मार्केट रेंज बाउंड हुआ, फिर मार्केट में गिरावट रही, थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर बढ़ा, खींचतान हुई, लेकिन मार्केट में गिरावट काफी रही। तो
देख, अगर आपको इसको काउंट करना चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करीब 2 घंटे 2 दिन अगर आप इसको मान के चले तो पूरा ये 2 दिन तक मार्केट एक रेंज बाउंड में रहा, गिरावट रहा। लेकिन अब एमएससीडी ने यहाँ पे कहाँ पे क्रॉसओवर जनरेट किया था, देखिए यहाँ पे एमएससीडी ने सिग्नल जनरेट किया था, सॉरी सेल सिग्नल जनरेट किया था और इस जगह पे, और लैगिंग इंडिकेटर जो हमारा ईएमए है, ठीक है, जो ईएमए ईएमए ने हमें बाद में जनरेट किया है। ईएमए ने देखिए यहाँ पे जनरेट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो सिग्नल दे रहा है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे अगर आवर में, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 या 8 घंटे बाद उसने जनरेट किया, तब तक तो काफी लेट हो चुका होता है। इसलिए आपको अब, लेकिन ईएमए की अपनी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिलीवर किया था कि ईएमए भी आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट की वो पिछले के जो रिकॉर्ड होता है, पिछले कैंडल के बेस पे वो उसका एवरेज निकालता है, वो कैलकुलेट करता है। और एमएससीडी क्या होता है, वो मार्केट में आने वाली स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताता है, ठीक है। तो हमें दोनों को कॉम्बिनेशन लेकर के यूज करना चाहिए इसका। अब चलते हैं, हम एक चार्ट पे और ले सकते हैं, मैं ले सकता हूँ, क्योंकि निफ्टी 50 में भी बहुत लोग ट्रेड करते हैं, और निफ्टी 50 के चार्ट में भी मैं आपको सेम बताऊंगा कि कहाँ पे सिग्नल एमएससीडी में, देखिए यहाँ पे मैंने इसमें जो सिग्नल लाइन है, एमएससीडी लाइन है, सॉरी एमएससीडी लाइन को मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर में चेंज कर दिया है, क्योंकि ज्यादातर ग्रीन सिग्नल, सिग्नल का मतलब ग्रीन होता है, तो ग्रीन में चेंज कर दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देखिएगा। अब चलिए यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ कहाँ पे पिछला रिकॉर्ड देखते हैं, और ये भी मैंने एक, चलिए हम इसको पहले 1 घंटे की कैंडल में बदल देते हैं, ठीक है। 1 घंटे की कैंडल में मैंने बदल दिया, 1 घंटे की कैंडल में देखिए यहाँ पे जो कल मार्केट में थोड़ी सी अनडाउटली काफी बाइंग आई थी, देखिए यहाँ पे लास्ट में ही देखते हैं, तो लास्ट में देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेंथ मार्केट में थोड़ी सी देखने को मिली लास्ट में, यानी कि 2 3 हिस्टोग्राम ऊपर है और एमएसईडी लाइन ने सिग्नल लाइन को काट करके ऊपर की तरफ आया, तो मार्केट को थोड़ी सी मजबूती दिशा मिली एट द एंड ऑफ द डे, जो कि करीब 3 बजे के आसपास था। फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे सिग्नल लाइन ने एमएसईडी लाइन को काटा इस जगह पे, देखिए यहाँ पे, ओके, इस जगह पे सिग्नल लाइन ने एमएसईडी लाइन को काटा और यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ। और अब ईएमए की बात करें तो ईएमए ने कहाँ पे दिया, देखिए ईएमए ने यहाँ पे दिया, देखिए यहाँ पे जाके सेल सिग्नल दिया, ओ माय गॉड। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो इसको देखते हैं, आप इसको काउंट करते हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 5 घंटे बाद ये मैंने दिया, तो ये है ना लीडिंग इंडिकेटर, तो यहाँ पे आपको काफी कुछ हेल्प मिल जाएगी और अच्छा अपनी मार्केट ट्रेडिंग स्किल को काफी सुधार कर सकते हैं और उसमें काफी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो होप आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आ रहे होंगे, ट्यूटोरियल हमारे, और इसको दोस्तों के साथ जरूर आप रिफर करिएगा,